हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे हैं। आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही आप लोगों का मदद का वीडियो है, क्योंकि आप आज से वॉच टाइम का जो प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए खत्म हो गया, ठीक है ना। क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका खुद एक मोबाइल से अगर आप वीडियो प्ले करो फाइव आवर्स तो आपको मिलेगा 10 आवर्स। अगर आप 10 आवर्स प्ले करोगे तो आपको 20 आवर्स मिल जाएगा वॉच टाइम, ठीक है ना। कब प्ले करोगे, प्ले करने का टाइम जब आप रात को सो जाते हो तब आप वीडियो लगा दो खुद का और सो जाओ, कोई मुश्किल नहीं है। पर ईमेल आईडी, जिस ईमेल आईडी से यूट्यूब चैनल है उस ईमेल आईडी से मत लगा, कोई फेक अकाउंट वाला ईमेल आईडी से आप लगा, ठीक है ना। तो आपको पर डे 20 आवर्स से 30 आवर्स मिल जाएगा, कोई मुश्किल नहीं। जितना ज्यादा प्ले करोगे उसका डबल, ठीक है ना, आपको वॉच टाइम मिल जाएगा। और दूसरी बात यह है कि मैंने जब वीडियो बनाया था इस टॉपिक का, जो पहला वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखाया था, तो बहुत सारे भाई को समझ में नहीं आया, इसलिए मुझसे यही कमेंट किया कि भाई मुझे समझ में नहीं आया, आप पूरा लाइव कैमरा से करके दिखाओ, ठीक है ना। तो मैं कैमरा से करके दिखाऊंगा आप लोगों को। और एक मैं बात बताना चाहूंगा, बहुत सारे भाई मुझे ये भी कमेंट करके बोल रहे हैं कि सर मेरा चैनल को प्रमोट कर दो, ठीक है ना। प्रमोट करने से पहले मैं यही आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा चैनल का नीचे जो ज्वाइन बटन दिख रहा है ना, आप उसका मेंबरशिप ले लो 1 महीने के लिए, तब आपका चैनल प्रमोट हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं पूरा आप लोगों को जो जो करने को कहूंगा सेम टू सेम करना, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई दिक्कत आता है तो मोबाइल को रिस्टार्ट कर देना, ठीक है। रिस्टार्ट करके फिर से जब आप चालू करोगे तो सारे चीज बराबर हो जाएगा। अगर कोई भाई मेरा चैनल में नया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करो और घंटी भी दबा देना, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं मोबाइल के अंदर आ चुका हूँ, आप देख सकते हो मेरे हाथ में मोबाइल है। तो मैं अभी क्या करूँगा इस मोबाइल का, मैं सीधा जाऊँगा इसका सेटिंग में जाऊँगा, ठीक है ना। सेटिंग में जाने के बाद मैं मोबाइल का सेटिंग में जाता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर सारे चीज आ गया, ठीक है ना। मैं जाऊँगा ये एप्लीकेशन सेटिंग में, इसका जो यहाँ पर जो क्रोम ब्राउजर है, क्रोम ब्राउजर में क्लिक करते हैं, ठीक है। इसका जो स्टोरेज है, स्टोरेज में क्लिक करने के बाद इसका जो डाटा है आप क्लियर कर देना, यहाँ से आप देख सकते हो क्लियर क्या लिखा है। मैनेज स्टोरेज में क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो नीचे क्लियर डाटा दिख रहा है, आप इसे क्लियर कर देना। क्लियर करने के बाद आप क्या करना, यहाँ पर 3 डॉट ऊपर दिख रहा है, देखो आप कोना में इधर 3 डॉट में क्लिक करना, अनइंस्टॉल अपडेट कर देना। कर देने के बाद आप फिर से जाओगे प्ले स्टोर में, प्ले स्टोर में जाने के बाद यहां पर आपको सर्च करना है क्रोम ब्राउजर, क्रोम ब्राउजर, ठीक है ना। तो इसको आपको अपडेट कर लेना है, ठीक है। मैं अपडेट कर लेता हूं, इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। एप्लीकेशन अपडेट हो जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा अपना मोबाइल में जो क्रोम ब्राउजर है ना उसे ऐसे ही ओपन कर देना है, ठीक है। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आपका मोबाइल में एक यूट्यूब का लोगो आएगा, आप देख सकते हो यूट्यूब का लोगो है, ठीक है ना। यूट्यूब का लोगो आ जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, myyoutube.com पर आपको सीधा चले जाना है। सीधा जाने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा नेट स्लो है, रुक जाते हैं, यहाँ पर ऊपर का जो निशान है आपको इस पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर डेस्कटॉप साइट कर देना है, आप देख सकते हो डेस्कटॉप साइट लिखा है। डेस्कटॉप साइट कर देने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका चैनल का नाम यहाँ पर ऊपर सर्च कर लेना है। जैसे मेरा चैनल का नाम है आदिफ आदिफ काजी, ठीक है ना। तो मैं मेरा चैनल का नाम फिर से करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ध्यान से देखो। आपको सीधा आपका मोबाइल का क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो यूट्यूब का लोगो आ गया, ठीक है। आप सारे ये सारे यूट्यूब का लोगो है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है और मोबाइल को डेस्कटॉप साइट में ही रखना है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो ऊपर लिंक क्रिएट हो गया है,
मैं आप लोगों को लिंक दिखा देता हूँ। ये ब्लू कलर का जो है, ये सारे यूट्यूब का लिंक है, http://www.youtube.com/channel/UC ऐसा कुछ लिखा है, तो मैं उस पर क्लिक कर दिया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं डेस्कटॉप साइट पर YouTube ओपन हो चुका है। तो मैं यहाँ पर मेरा कोई भी एक वीडियो को मैं प्ले करूँगा। प्ले करने से पहले मैं अपना चैनल का नाम सर्च कर लूँगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं मेरा चैनल का नाम सर्च कर लेते हैं। आप देख सकते हो मेरा चैनल आ गया। तो मैं इस पर वीडियो में क्लिक करता हूँ तो मेरा सारे वीडियो यहाँ पर शो होने लगा है। तो मैं अभी किसी एक वीडियो को प्ले करूँगा। मैं इस वाला वीडियो को प्ले कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेटिंग का एक छोटा सा निशान दिख रहा है, ठीक है ना। तो मैं सेटिंग पर क्लिक करूँगा, छोटा सा निशान आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तो मैं उस पर क्लिक कर वीडियो क्वालिटी, ठीक है, 141 मैं इसमें रख देता हूँ। उसके बाद स्क्रीन में प्रेस करके एक लिखा आएगा, आप देख सकते हो लूप LOOP, मैं उस पर लगा देता हूँ, ठीक है ना। हर मोबाइल का नीचे 3 बटन होता है। इस मोबाइल का इस तरफ साइड में मिनिमाइज का ऑप्शन है, तो मैं मिनिमाइज पर क्लिक करता हूँ। मिनिमाइज पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो ऊपर 2 निशान आ रहे हैं, मैं ये 2 निशान पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करूँगा देख सकते हो आप वीडियो छोटा हो गया, एक तरफ छोटा हो गया और एक तरफ खाली है, और लिखा भी है एफ लिस्ट, ठीक है ना। तो मैं एफ लिस्ट पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने एफ लिस्ट पर क्लिक किया यूट्यूब आ गया, तो मैं सिंपल सा यूट्यूब ओपन कर लेता हूँ। तो मैं मेरा सर्च बटन में मेरा चैनल का नाम सर्च करता हूँ। आप देख सकते हो मेरा चैनल का नाम है, तो मैं सर्च कर लेता हूँ। उसके बाद चलते हैं प्ले लिस्ट पर चैनल का। आपको यहाँ पर 2 चीज़ ध्यान देना है, जब भी आप थोड़ा सा उसका स्क्रीन जो है ना छोटा पड़ रहा है तो मैं ऊपर उठा देता हूँ आपको यहाँ पर। और एक चीज़ ध्यान देना है ये कि जब भी आप प्लेलिस्ट प्ले करो ना तो एक निशान आएगा, उसे दबाना है, क्योंकि वो वीडियो ख़त्म होने के बाद फिर से रिपीट होगा। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ वो निशान, ऐड को ख़त्म होने दो फिर दिखाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा दोनों जगह पर वीडियो चल रहा है, निशान वो निशान है आप देख लो, ठीक है ना। पहला वाला निशान मैंने प्रेस कर दिया, आप देखो मेरा ऊपर का भी वीडियो प्ले हो रहा है, नीचे का भी वीडियो प्ले हो रहा है, आप देख सकते हो ना, ये कोई फेक नहीं है। आप आराम से देख लो, ठीक से देख लो, यहाँ पर कोई भी फेक नहीं, मैं अपलोड नहीं करता हूँ कोई भी फेक वीडियो, क्योंकि मेरा चैनल नया है इसलिए मैं कोई भी फेक वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आ गया, मैंने जैसे बोला सेम टू सेम आप वैसे ही करो, ठीक है। आपका डबल टैप वीडियो ओपन हो जाएगा, आपका कोई भी परेशानी नहीं रहेगा आज से वॉच टाइम बढ़ाने के लिए, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल में मैंने वीडियो देखा है, वो बोलता है कि भाई आप इसे एप्लीकेशन डाउनलोड करो तो आपका वॉच टाइम बढ़ जाएगा, ऐसा करो तो आपका व्यूज बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, पर हकीकत होना चाहिए जो लोगों का फायदा होता है, ठीक है ना। तो मैं इसी टॉपिक को ध्यान में रख के मैं वीडियो बनाता हूँ, और मैं ज़्यादातर बनाता हूँ छोटे यूट्यूबर का मदद के लिए, ठीक है ना। तो दोस्तों प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और लाइक कमेंट भी कीजिए मेरे चैनल में और सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।